तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि 5 KB का स्टेबलाइजर और रिले से कनेक्शन कैसे करना है। तो इसमें देख रहे हैं 5 कनेक्शन निकला हुआ है, पहले कनेक्शन 6 निकला हुआ था। तो इसका जो क्वाइल था जल गया था, तो नया से मैंने क्वाइल बांधा है और रिले में कनेक्शन करेंगे। ये जो आप प्लेट देख रहे हैं पहले का प्लेट है, इस प्लेट को हटाकर हम नया प्लेट डालेंगे जो कि माइक्रो बोर्ड यहाँ पर हम लेकर आए हैं। इसका कनेक्शन हम रिले से करेंगे। तो इसमें जितना सारा कनेक्शन किया हुआ है, सारा कनेक्शन को चेंज करेंगे, हम हटा देंगे। हटाने के बाद में नया बोर्ड से हम कनेक्शन करेंगे। तो इसमें रिले जो लगा हुआ है 24 वोल्ट, 25 एम्पियर 24 वोल्ट का इसमें रिले है। और इसमें जो बोर्ड लगा हुआ था, इस बोर्ड को हटा देंगे। जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसको भी हम हटा देंगे। और अब इसमें कनेक्शन आप लोगों को पहले बता देते हैं। इधर जो है कमन है, कमन, और यहाँ से हम गिनती करेंगे तो ये एक नंबर होगा, ये दो नंबर होगा, और ये जो है तीसरा होगा, ये चौथा, ये पांचवा। अब 5 वायर का कनेक्शन जो है रिले से करना है, कैसे करना है चलिए डायग्राम में आप लोगों को बताते हैं। यहाँ से हम मान के चलिए कमन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई आएगा। उसके बाद में यहाँ एक नंबर निकला हुआ है, दो नंबर निकला हुआ है, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, इस तरह से है। अब इस पर जो है रिले पर कनेक्शन करना है, और ये जो वायर है 5 वायर का कनेक्शन रिले पर करना है। तो उसके लिए पहले तो मैंने कनेक्शन हटा दिया, पहले वाला नीचे वाला पोल होगा और बीच वाला NC होगा, ऊपर वाला NO होगा। इसमें भी उसी तरह से है, 4 रिले है। तो यहाँ पर चलिए लिख देते हैं 2, 3, 4, इस तरह से 4 रिले है। नीचे वाला, बीच वाला जितना देख रहे हैं पॉइंट, ये NO पॉइंट होता है, NO पॉइंट है। नीचे वाला पोल होगा, ऊपर वाला टोटल NC होगा, NC NO पोल। इसी तरह से चारों रिले में है। अब इसका कनेक्शन करने के लिए क्या करेंगे कि रिले के एक नंबर NO और रिले के दो नंबर पोल से कनेक्शन कर देंगे। बाकी 3-4 जो है, 3-4 रिले का जो कनेक्शन है पोल से कनेक्शन कर देंगे। अब चलिए इनपुट सप्लाई, इसमें भी उसी तरह से किए हैं, ठीक उल्टा करना है। इसका जो कनेक्शन है देख रहे हैं, इनपुट सप्लाई इधर है और इधर आउटपुट सप्लाई है। इसमें क्या है कि इधर से इनपुट सप्लाई लिए हैं और इधर से आउटपुट सप्लाई, इस तरह से है आउटपुट। और इस पर जो बोर्ड कैबिनेट पर जो लिखा हुआ है, इधर आउटपुट है, इधर इनपुट है। तो ठीक कनेक्शन को चेंज कर देना है। तो यहाँ NO और इस पर हम पोल से कनेक्शन किए हैं, दो नंबर पोल से और एक नंबर रिले NO पर। तो इधर भी देख रहे हैं दो नंबर पोल NO पर है, और तीसरा जो चौथा जो है ये पोल से है। तो यहाँ हम इस वायर को निकाल कर क्या करेंगे कि पोल से कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए इसको हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ देख रहे हैं चेंज कर दिए हैं और आउटपुट सप्लाई जो है हटा दिए हैं। ये एक नंबर जो वायर देख रहे हैं ट्रांसफार्मर का, रिले के एक नंबर NC से कर देंगे। सबसे जो ऊपर वाला पिन है NC है, बीच वाला NO है, और नीचे वाला टोटल जो है पोल है। तो यहाँ पर हम इस तरह से कनेक्शन कर दिए। और यहाँ पर फिर उसके बाद में क्या करना है कि ट्रांसफार्मर का यहाँ एक नंबर जो वायर आ रहा है, देख रहे हैं NC से हो गया, दो नंबर जो वायर है दूसरा रिले के NC से करेंगे, तीसरा जो वायर है ट्रांसफार्मर का, तीसरा नंबर जो रिले है, तीसरा नंबर रिले के NO से कनेक्शन कर देंगे यहाँ पर। और ये चौथा जो ट्रांसफार्मर से वायर आ रहा है, तो दो नंबर रिले के NO से कनेक्शन कर देंगे। और पांचवा जो वायर आ रहा है ट्रांसफार्मर से, उसको तीन नंबर रिले के NC से कनेक्शन कर देंगे। इस तरह से कनेक्शन करना है। ये जो है वो आउटपुट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ एक नंबर कर दिए हैं, दो नंबर जो वायर है रिले के, दो नंबर NC से कनेक्शन कर देंगे यहाँ पर हो गया। और तीन नंबर जो वायर आ रहा है, तो यहाँ रिले के देख रहे हैं, तीन नंबर जो वायर है रिले के, तीन नंबर NO से कनेक्शन कर देंगे।
एक दो तीन, यहाँ तीन हुआ, तो तीसरा जो रिले है, तीसरा रिले के एनो से कनेक्शन कर दिए हैं यहाँ पर। अब चलिए जो चार नंबर जो रिले है, चार नंबर रिले को हम यहाँ, चार नंबर जो वायर है दो नंबर रिले के एनो से कनेक्शन कर देंगे। यहाँ देख रहे हैं चार नंबर जो वायर है दो नंबर रिले पर कनेक्शन है, तो इस वायर को क्या करेंगे कि इधर से दो नंबर हुआ तो दो नंबर रिले के एनो से कनेक्शन कर देंगे हम इस पर। चलिए वायर को थोड़ा सा मोड़ लेना है। और बाकी जो पांचवा वायर जो बच रहा है, तो पांचवा वायर जो है तीन नंबर रिले के एनसी से कनेक्शन कर देंगे हम। अब रह गया पांचवा वायर, तो एक नंबर दो नंबर तीन नंबर, तीन नंबर रिले के एनसी से कनेक्शन कर देंगे इस वायर को। एक दो तीन, तीन नंबर रिले के सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है इस पर कनेक्शन कर देना है। देख रहे हैं यहाँ पर हो गया। अब चलिए रिले का जो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन है हो चुका है, और वायर को देख लेंगे, वायर वापस में सटा हुआ नहीं रहना चाहिए। अब क्या करेंगे कि चारों रिले में से जो दो दो पॉइंट निकला हुआ है 24 वोल्ट कनेक्शन करने के लिए, तो चारों रिले में से क्या करेंगे कि एक एक पॉइंट पर हम ब्लैक कलर का वायर लेकर कनेक्शन कर देंगे 24 वोल्ट के लिए। तो इस तरह से कनेक्शन करना है। देख रहे हैं चारों रिले में से केवल एक एक पॉइंट पर कनेक्शन किए हैं, एक एक पॉइंट छोड़ दिए हैं। अब इसमें से चार वायर और लेंगे, तो कोई भी कलर हम यहाँ जो एक एक पिन बचा हुआ है, तो कोई भी कलर लेकर चारों रिले पर एक एक पॉइंट जो बचा हुआ है उस पर कनेक्शन कर देना है। तो यहाँ पर मैंने येलो कलर का, रेड कलर का, ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का इस तरह से वायर लेकर कनेक्शन कर दिए हैं। और साइज़ के अनुसार जहाँ बोर्ड आपको लगाना है, फिट करना है, उसके अनुसार वायर को काट लेना है। उसके बाद में चलिए आउटपुट जो सप्लाई है, आउटपुट सप्लाई देना है तो रिले के चार नंबर पिन से यहाँ एनो से दे देंगे, और इनपुट सप्लाई जो है रिले के एक नंबर पोल से देंगे जो कि एमसीबी से होकर यहाँ पर आ रहा है। तो चलिए इसको हम कनेक्शन कर देते हैं चार नंबर रिले के एनो से, हो गया। अब चलिए यहाँ 24 वोल्ट का कनेक्शन जो करना है बोर्ड से, करने के लिए आपको कौन सा वायर किस पर कनेक्शन करना है आप लोगों को बता देते हैं। एक नंबर पर हरा है, दो नंबर पर ब्लू है, तीन नंबर पर रेड और चार नंबर पर येलो कलर का है। इस पर लिखा हुआ है 24 वोल्ट, तो 24 वोल्ट पहले हम कनेक्शन देंगे। यहाँ देख रहे हैं 24 वोल्ट निकला हुआ है, तो दो वायर लेकर 24 वोल्ट पर कनेक्शन कर दिए हैं। अब यहाँ ब्लैक कलर का जो वायर है, इसमें से एक ब्लैक कलर का जो वायर है चारों रिले से कनेक्शन किया हुआ है, तो यहाँ कॉमन लिखा हुआ है COM, इस पर कनेक्शन कर देंगे। अब चलिए रिले का जो कनेक्शन करना है, इस पर लिखा हुआ है IP2 IP1, तो इसमें से हम क्या करेंगे कि ग्रीन कलर का जो वायर है IP1 पर कनेक्शन कर देंगे। IP1 जहाँ लिखा हुआ है इस पर कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हो गया। अब रिले के दो नंबर पर ब्लू कलर का वायर है जो कि रिले के दो नंबर से निकला हुआ है, तो इस पर लिखा हुआ है IP2। देख रहे हैं यहाँ पर IP2 पर कर देंगे, यानी कि दो नंबर रिले से हो गया। अब तीसरा जो है आउटपुट लिखा हुआ है और चौथा कट लिखा हुआ है, तो तीसरा जो वायर है रेड कलर का है, यहाँ रेड कलर का वायर जो आ रहा है तो आउटपुट सप्लाई पर कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है OP, तो चलिए इसमें हम कनेक्शन कर देंगे। अब हाई कट के लिए लिखा हुआ है हाई कट, चौथा जो रिले है येलो कलर का जो आउटपुट सप्लाई बाहर जा रहा है, तो इसमें येलो कलर का वायर है, तो आउटपुट सप्लाई पर यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे हाई कट के लिए। और यहाँ जो कॉमन है यहाँ इस पर कनेक्शन कर देंगे जो कि न्यूट्रल सप्लाई है, इस पर से आकर और आउटपुट सप्लाई डायरेक्ट जाता है। यहाँ देख रहे हैं इस पर लिखा हुआ है EL, यानी कि इस पर आ रहा है डायरेक्ट, और उसी में से एक वायर लेकर हम क्या करेंगे कि इस कमन वाला पॉइंट पर कनेक्शन कर देंगे। तो कनेक्शन कर दिए हैं, टोटल कनेक्शन एक बार फिर मिला लेंगे हम बारी बारी से। तो चलिए इधर से हम इनपुट सप्लाई देंगे, और इसमें जो बोर्ड में प्रीसेट दिया है, प्रीसेट को आपको घुमाना नहीं है, ट्यूनिंग नहीं करना है, इसलिए पहले से सेट किया रहता है, तो इसमें अभी कुछ करेंगे नहीं।
यहाँ एक के शॉर्ट के लिए दिया हुआ है, एस डब्ल्यू लिखा हुआ है। तो इस पिन को आपको करना क्या है कि शॉर्ट कर देना है रंगा से, तो इसको हम शॉर्ट कर दिए हैं। अब चलिए इसमें सप्लाई देकर आप लोगों को दिखाते हैं तो इसका ट्यूनिंग जो है कैसे किया जाता है। तो ये जो है आउटपुट सप्लाई में हम मल्टीमीटर लगाए हैं कि आउटपुट सप्लाई कितना दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब 5 KV का जो स्टेबलाइजर है, अब यहाँ मैनुअल स्टेबलाइजर से हम वोल्टेज देंगे। तो यहाँ 100 वोल्टेज के आसपास में स्टेबलाइजर जो है आउटपुट सप्लाई दे रहा है। अब 5 KV का जो स्टेबलाइजर है उसमें हम इनपुट सप्लाई देते हैं, देखते हैं आउटपुट सप्लाई कितना दे रहा है। आउटपुट सप्लाई 208 वोल्ट दे रहा है। यहाँ स्टेबलाइजर के वोल्ट मीटर में भी बता रहा है 208 वोल्ट। इनपुट सप्लाई जो है 90 वोल्ट के आसपास में इसमें बता रहा है। आउटपुट सप्लाई 208 वोल्ट बता रहा है, देख रहे हैं। अब इस रोटरी स्विच को हम क्या करेंगे, घुमाते जाएंगे आउटपुट सप्लाई कितना तक दे रहा है। तो यहाँ 260 70 72 तक हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि माइक्रो बोर्ड जो है, माइक्रो बोर्ड का प्रीसेट घुमाकर यहाँ वोल्टेज 220 वोल्ट के आसपास में हम कर लेंगे। तो यहाँ जो मैनुअल स्टेबलाइजर है इसका जो वोल्टेज है 220 पर ऑटो कट बांधा हुआ है, तो यहाँ प्रीसेट घुमाकर इसको फ्री कर लेंगे। उसके बाद में वोल्टेज बढ़ाकर 300 वोल्टेज तक हम देख लेते हैं, 300 वोल्टेज तक करके आउटपुट सप्लाई कितना तक दे रहा है। यहाँ देख रहे हैं इनपुट सप्लाई 250 से ज़्यादा है और आउटपुट सप्लाई जो है, आउटपुट सप्लाई 200 के करीब करीब है। तो यहाँ हम ऐसे पता नहीं चल रहे, यहाँ दो मल्टीमीटर लगा लिए हैं। एक मल्टीमीटर आउटपुट सप्लाई के लिए हम लिए हैं और एक मल्टीमीटर जो है इनपुट सप्लाई के लिए हम लिए हैं। यहाँ से आपको साफ पता चल जाएगा कि इनपुट सप्लाई कितना मिल रहा है और आउटपुट सप्लाई कितना दे रहा है। तो देख रहे हैं 230 वोल्टेज के आसपास में है इनपुट सप्लाई, तो 210-12 वोल्ट आउटपुट सप्लाई मिल रहा है। 90 के आसपास में जो है इनपुट सप्लाई, तो 240-42 के आसपास मिल रहा है इस तरह से। तो 145 पर भी 240 के आसपास मिल रहा है। अब चलिए वोल्टेज को हम और बढ़ाकर देख लेते हैं। यहाँ 195 200 वोल्ट, 225 वोल्ट, ठीक है, 250 वोल्ट आउटपुट, 220 वोल्ट, 276 वोल्ट आउटपुट, 243 वोल्ट, 300 वोल्ट आउटपुट सप्लाई देख रहे हैं यहाँ पर बंद हो गया। यानी कि 300 वोल्टेज से ज़्यादा यदि होगा तो आउटपुट सप्लाई जो है ये स्टेबलाइजर रोक देगा। 90 से 300 वोल्ट के बीच में इसका बंधा हुआ है, जो कि 90 से 300 वोल्टेज तक मिलेगा तो आपका आउटपुट सप्लाई 220 वोल्ट के आसपास में स्टेबलाइजर देगा। तो दोस्तों, इसके अलावा और कुछ जानकारी लेना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।